हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत राजपूत और आप देख रहे हैं स्टडी कंप्यूटर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए बिल्डिंग मटेरियल के, तो आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पिक अप द वोल्केनिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग्स। वोल्केनिक रॉक्स की अगर हम बात करें, ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेनाइट, डोलेराइट और बासाल्ट। हमें पूछा गया है प्लूटोनिक रॉक। तो अगर हम बात करें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट हमारा होता है डीप प्लूटोनिक रॉक। डोलेराइट की अगर हम बात करें तो होता है हाइपर बेसाल्ट रॉक। और बासाल्ट की अगर हम बात करें तो होता है वोल्केनिक रॉक। ये तीनों ही कौन सी रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? इग्नियस रॉक्स आर द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। अब अगर कूलिंग और सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा हमारा अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो उस रॉक्स को बोलेंगे डीप प्लूटोनिक रॉक्स। अगर अर्थ सरफेस से स्वेल डेप पर होगा तो उसे बोलेंगे हाइपर बेसाल्ट रॉक्स। अगर हमारा जो कूलिंग और सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा है वो हमारा अर्थ सरफेस पर होगा तो उसे हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनिक रॉक का उदाहरण होगा हमारा ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे आप वुड कंसिस्ट ऑफ। अगर हम बात करें सैपवुड की, तो लास्ट वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन चेक किया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर और ट्री। तो ये क्रॉस सेक्शन होता है, इसका जो आइनर मोस्ट पार्ट होता है ये होता है टिप। और आइनर जो हमारी आइनर अनवल रिंग्स होती हैं सराउंडिंग द पिथ, दैट इज कॉल्ड हर्टवुड। शैपवुड हमारी होती है आउटर अनवल रिंग्स जो कि हमारी लाई करती है हर्टवुड और कैम्बियम लेयर में। तो हमारे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम्स लॉ हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन द ब्रिक अर्थ इज। अगर हम एलुमिना की बात करें तो एलुमिना हमारा ब्रिक अर्थ में 20-30% होता है और ये ब्रिक को हमारी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और इन एक्सेस को एक्सेस में होने पर क्या होता है, एलुमिना के एक्सेस होने पर क्या हो जाता है, ब्रिक हमारी वार्प करेगी, ब्रिक क्रैक्स एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग। तो एलुमिना का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना होता है। तो इसका प्रोपोर्शन गुड प्रोपोर्शन होता है 20-30%। एक्सेस क्वांटिटी में एलुमिना हो जाने पर ब्रिक्स हमारी क्रैक कर जाएंगी और वार्प करेगी ड्यूरिंग ड्राइंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव्स अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ब्रेकर। पहला ऑप्शन देखेंगे लाइमस्टोन एंड एलुमिना, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, गुड कंस्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिका एंड एल्कालीज, तो यही हमारा आंसर होगा, सिलिका हमारा यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स है और क्या एल्कालीज हमारी हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेंड बाय। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, तो हमारा हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम हमारा कंकर से प्राप्त करा जाता है, कंकर बर्निंग ऑफ कंकर। कंकर क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, और ये यूज करा जाता है वाटर लॉक्ड एरियाज में। लाइम मोटर बनाने के लिए ये हमारा हाइड्रोलिक लाइम हुआ। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा बर्निंग ऑफ कंकर ऑप्शन नंबर बी। फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब इज यूज्ड। अगर हम बात करें सीमेंट के केस में, अगर हम बात करें सीमेंट के केस की, तो सीमेंट के टेस्टिंग के लिए हम जो साइज यूज करते हैं वो यूज करते हैं 70.6 mm, और जबकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्यूब टेस्ट में, क्यूब टेस्ट जब करेंगे कंक्रीट के हम यूज करेंगे 150 mm साइज ऑफ क्यूब। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
70.6 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन द सीमेंट. लास्ट वीडियो में भी हमने रिटार्डर को देखा था. रिटार्डर क्या होते हैं? जैसे कि आप रिटार्डर के नाम से ही देख पा रहे हो, ये क्या करेंगे, हमारा जो सेटिंग प्रोसेस है उसे डिले करने के, डिले कर देंगे. डिले द सेटिंग ऑफ सीमेंट. सीमेंट की सेटिंग को डिले कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे क्या, सेटिंग टाइम. कौन सा सेटिंग टाइम? इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. तो इसके हमारा उदाहरण, बेस्ट एग्जांपल हमारा जिप्सम, शुगर और ऑयल्स. तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए रिलेटिवली स्लो डेप्थ फ्रॉम द सरफेस. तो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट ए रिलेटिवली स्लो डेप्थ फ्रॉम द सरफेस. तो ये हमारा डीप प्लूटोनिक रॉक जो फॉर्म होती है वो होती है डीप, एक कंसिडरेबल डेप्थ पर अर्थ सरफेस से. हाइपरबेसाल रॉक स्लो डेप्थ पर फॉर्म होती है और वोल्केनिक रॉक हमारी अर्थ सरफेस पर फॉर्म होती है. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपरबेसाल रॉक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द स्टोन मेसनरी शुड बी. जो प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, ये हमारी स्टोन्स की बैट्स हैं. अब बैट्स के प्रेशर हम कैसे अप्लाई करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल टू द बैटिंग प्लेन्स ऑफ द स्टोन मेसनरी और स्टोन. तो ये हमारा कितने एंगल पर होगा, 90 degrees टू द बैटिंग प्लेन्स ऑफ द स्टोन मेसनरी. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बैटिंग प्लेन्स. हम बात करें अगर हम बात करें फ्लेमिश मोड में, तो फ्लेमिश मोड में हम एक ही कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर दोनों टाइप से हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिक्स को. एक ही कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर दोनों तरीके से प्रोवाइड करा देते हैं. तो अगर हम बात करें इंग्लिश मोड की, तो इंग्लिश मोड हमारा हैवी लोड कैरी करने के लिए यूज करा जाता है. तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. जिप्सम इज है. तो जिप्सम की अगर हम बात करें, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला देखें, पहली बात तो जिप्सम हमारा किस तरीके से यूज करा जाता है, एज ए रिटार्डर यूज करा जाता है. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4H2O. तो ये कैसे रोक है, केमिकल रॉक्स है. तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन सी, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंटरी रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है. सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन ऑप्शन ए टू मेक इट वाटर प्रूफ, टू पेंट इट सरफेस, टू इंक्रीज इट टेम्परेचर और टू रिमूव शैफ्ट. तो हमारा क्या होता है, जो टिम्बर्स है उसमें अनडिजायरेबल वाटर कंटेंट होता है कुछ, तो उस वाटर कंटेंट को रिमूव करने के लिए हम सीजनिंग प्रोसेस करते हैं. सीजनिंग प्रोसेस इज यूज टू रिमूव द शैफ्ट वुड, शैफ्ट फ्रॉम द वुड और शैफ्ट वाटर फ्रॉम द वुड. सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू रिमूव शैफ्ट वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक. तो अगर हम ऑप्शन से देखें, ऑप्शन में दिया हुआ है क्वार्ट्ज, जो कि हमारा एक मिनरल्स है, और माइका भी क्या है, मिनरल्स है. और अभी हमने देखा जिप्सम क्या है, जिप्सम एक रॉक है. कैसी रॉक है, हमारी केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंटरी रॉक. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. द टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग होता है. क्लीवेज की अगर हम बात करें, तो क्लीवेज एक इंग्लिश वर्ड है जिसका जो पर्यायवाची शब्द अगर हम लें, इसका अगर सिनोनिम लें, तो वो हमारा होता है सेपरेटिंग और स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग और सेपरेटिंग इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग और सेपरेटिंग. तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा क्लीवेज, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड एब्यूटमेंट ऑफ रेलवे ब्रिजेस. तो अगर हम बात करें सारे ऑप्शन के रिलेटेड, तो सैंड स्टोन हमारे कहाँ यूज करा जाता है, सैंड स्टोन हमारा वेदर एंड फायर असिस्टेंट की तरह यूज करा जाता है. लाइमस्टोन की अगर हम बात करें, तो लाइमस्टोन हमारा फ्लोरिंग में यूज करा जाता है, फ्लोर्स में, और लाइम प्रोडक्शन में भी यूज करा जाता है.
जो कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ द लाइमस्टोन से क्या बनता है, हमारा हाइड्रोलिक लाइम बन जाता है। ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो पियर्स ऑफ फाउंडेशन और बात करें तो फाउंडेशन ऑफ पियर्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ ब्रिजेस, ये हमारा यहाँ यूज कर देता है, तो ऑप्शन हमारा होगा ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कास्ट आयरन कंटेंट अप्रोक्सीमेटली, तो अगर हम बात करें कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन में हमारा परसेंटेज जो कार्बन का होता है वो 2-4% होता है। माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो माइल्ड स्टील में हमारा अप टू 0.25% होता है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज हार्डवुड, अगर हम बात करें हार्डवुड की तो हमारे बेसिकली वुड्स जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। वुड हमारी होती हैं सॉफ्टवुड और हार्डवुड। अब जिनकी जो एनुअल रिंग्स हैं, एनुअल रिंग्स वो डिस्टिंक्ट होती है, मतलब अगर हम बाहर से देखें उसके प्रोसेक्शन को काटने के बाद तो सेपरेटली चमक जाती है, दिख जाती है, तो वो हमारी होती हैं सॉफ्ट वुड्स। और जिसकी हार्ड वुड में क्या होता है, जिसकी हमारी एनुअल रिंग्स इनडिस्टिंक्ट होती है, हमें नेक आई से अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो हमारी हो जाती है हार्ड वुड। तो हार्ड वुड की अगर हम बात करें तो हमारे हार्ड वुड के एग्जाम्पल होते हैं शीशम, और हमारा होता है टीक, ये हमारे हार्ड वुड आते हैं। अगर हम बात करें सॉफ्ट वुड की तो देवदार, चील, पाइन, ये हमारे सॉफ्ट वुड हो जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीशम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, तो जैसा कि मैंने इसके जो टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट और उनके मेथड्स ऑफ टेस्टिंग पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वहां पर आप जाकर देखोगे तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि साउंडनेस को हम किस तरह यूज करते हैं, किस कौन से टेस्ट से निकालते हैं। तो हम निकालते हैं इसे ली चैट क्लियर मेथड, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ बर्ड्स की, तो फर्स्ट क्लास जो हमारा टिम्बर है उसकी एवरेज लाइफ होती है हमारी मोर देन 10 ईयर्स। आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।